मिक्स साग और मक्के की बहुत आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है मेरी रेसिपी में। बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए अच्छे आलू ले लिए, नया आलू लिए तो इस समय आलू छिलने में हाथ खराब हो जाता है, इसीलिए आपके पास कोई इस तरह का कपड़ा हो तो आप उससे अच्छे से छील सकते हैं, हाथ नहीं खराब होगा। इस तरह से बहुत आसानी से छील सकते हैं। सारा छील के हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप छील लेंगे। ठंडी में आलू काटने से हाथ खराब हो जाता है, तो ये ट्रिक आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे तुरंत पानी में डाल देंगे तो इससे सब्जी काटने से आलू हाथ नहीं खराब होगा। अब एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे, इस पे आलू काट लेंगे। इस तरीके से साग में डालने के लिए इस तरीके से सारा आलू काट के तैयार करेंगे। दो तीन पानी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम साग ले लिए, मिक्स साग बना रहे हैं सोया का। ये पहले सोया लिए हैं, सोया को अच्छे से धुल लिए हैं, दो तीन पानी धुल के फिर काट रहे हैं। सोया बारीक बारीक काट लेंगे, 200 ग्राम सोया है। मेथी लिए, अच्छे से साफ़ करके धुल लीजिए, उसके बाद काटिए। अगर डंठल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं साग में। इस तरीके से बारीक काट लेंगे। मेथी कट के कंप्लीट हो गया। पालक काटेंगे। पालक यहाँ पे हम 400 ग्राम लिए हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना बनाना हो कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब अच्छे से बारीक काट लेंगे, काट के कंप्लीट करेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट साग बनेगा। यहाँ पे आलू इस तरीके से काट लेंगे। अब इसका तड़का तैयार करेंगे। लहसुन लिए हैं, हरी मिर्च, मेथी, थोड़ा सा अदरक लिए हैं। अब सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को अच्छे से कूट लेंगे। एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए, साग बहुत टेस्टी बनता है। इस तरीके से कूट लेंगे। अब हरी मिर्च को भी अच्छे से कूट लेंगे। सारा कूट के तैयार करेंगे, इस तरीके से तड़का तैयार करेंगे। अब एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में हाई फ्लेम पे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। बराबर चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे आलू। आलू बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तेल निकाल लेंगे। अब इसी में हम सारा तड़का डाल देंगे तेल में। इस तरीके से आप एक बार बना के ट्राई करें, बहुत टेस्टी साग बनता है। जब अच्छे से तड़का हो जाएगा तब इसमें साग डाल देंगे हम। मेथी, पालक, सोया डाल देंगे। इस ठंडी में आप ये साग बना के ट्राई कर सकते हैं। घरों में इस समय बहुत फ्रेश फ्रेश साग आता है। आप एक बार मेरे तरीके से बना के ट्राई करें। 5 से 10 मिनट के लिए साग मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे। आपका साग जैसे कम ज़्यादा हो उस तरीके से। अब ढक साग हो गया अच्छे से। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साग बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अभी मिक्सी लेंगे, मिक्सी का जार, इसमें थोड़ा सा ग्राइंडर करेंगे, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। इस तरीके से बहुत थोड़ा सा एक बार से मिक्सी चला देंगे अच्छे से। बस हो, कंप्लीट हो गया। अब कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हींग डालेंगे 1 पिंच। अब इसमें लहसुन डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हम पहले भी डाले हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तड़का अच्छे से हो गया। अब इसमें साग डाल देंगे। इस तरीके से आप एक बार मेरे तरीके से साग बना के ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब एक बार ढक देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब चलाएंगे साग को अच्छे से। अब चलाने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसे इसे खुला छोड़ देंगे, ढकेंगे नहीं, गैस का फ्लेम मीडियम करके। बहुत टेस्टी साग बनता है, यकीन मानिए। इस तरीके से बनाएंगे, साग बिल्कुल हो गया। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम मक्के की रोटी बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 कप मक्के का आटा लिए, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मक्के का आटा अपने अनुसार ले सकते हैं जितना बनाना। अब इसमें गरम गरम पानी डालेंगे, इतना गरम पानी डालेंगे जिससे हाथ सह ना सके। इतना गरम पानी डाल के चम्मच की मदद से ऐसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से आप मक्के का रोटी बनाएंगे, बहुत सॉफ्ट रोटी बनेगा। अब जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हाथ से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। मक्के का रोटी आप इस तरीके से बना के ट्राई करें, बहुत आसान और बहुत टेस्टी बनेगा। आपको बेलने की झंझट नहीं पड़ेगी, बहुत आसान तरीके से बनेगा। आटा गूंथ गया है, एक बार थोड़ा सा घी या तेल हाथ में लगा के चेक करेंगे। अगर इसमें क्रैक्स आते हैं कॉर्नर में तो एक बार अच्छे से फिर गूंथ लेंगे, आटा चेक करेंगे। अब इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं आ रहा, अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब एक लोई बनाएंगे इसका। आप रोटी अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ी छोटी। इस तरीके से बना के एक थाली लेंगे या चौकी लेंगे, आपको जिस पे आसानी लगे। एक ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लेंगे, घरों में जो कपड़ा आता है उसका पन्नी ले लेंगे। अब इस तरीके से रख देंगे। अब कोई एक प्लेट लेंगे, इसे ऐसे दबा देंगे। आपको बेलने की भी बिल्कुल झंझट नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रोटी बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप मक्के की रोटी बना सकते हैं, बहुत आसान से बिना बेले। इस तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम रोटी बना लेंगे मक्के की। मक्के की रोटी और साग बहुत टेस्टी लगता है, आप बना के ट्राई करें। ऐसे ही बना लेंगे सारी रोटियां, बना के कंप्लीट करेंगे। अब हम तवा रख देंगे इस पे सेकने के लिए। रोटी तुरंत नहीं पलटेंगे, एक से एक थोड़ा सा एक साइड में जब सिक जाएगा तो बहुत आसानी से पलट जाता है। इस तरीके से आप पलट देंगे, बहुत आसानी से आपकी रोटी बनेगी। अब लटते पलटते हुए अच्छे से रोटी पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरीके से रोटी बहुत टेस्टी बनती है, आप बना के ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल जैसे घरों में चूल्हे पे रोटी बनती है, बहुत टेस्टी लगती, उस तरीके से वही स्वाद आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा ऐसे तवा उतार के गैस पे सेक लेंगे। आपको मैं बहुत आसान से आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा हो या कोई कमी लग रही तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सही करने के लिए। इस तरीके से रोटी बना लेंगे। इस तरीके से सारी रोटी बना के कंप्लीट हो गया। आप सर्व करेंगे ठंडी में, अगर इस तरीके का साग और मक्के की रोटी मिल जाए तो क्या स्वाद है, बहुत टेस्टी लगता है। और रोटी में थोड़ा सा घी लगा के सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रोटी बन के तैयार हुआ है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना अमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।